नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता। अमेरिका का जो वर्तमान संविधान है, उसका निर्माण 1787 के अंतर्गत गठित फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया है। इस फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे वह थे जॉर्ज वाशिंगटन, और यह जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, यह तैयार हुआ 1789 के अंतर्गत। यानी अमेरिका का जो संविधान है वो लागू कब हुआ? 1789 के अंतर्गत लागू हुआ। इसलिए अमेरिका के संविधान को 1789 का संविधान भी कहा जाता है। इस अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो पहली जो इसकी विशेषता है वह है लिखित एवं निर्मित संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वह दुनिया का प्रथम लिखित और निर्मित संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को लिखित और अलिखित मोटे रूप में इन दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो अमेरिका का संविधान किस तरह का है? अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। यानी एक संविधान सभा के द्वारा अमेरिका के संविधान का गठन किया गया, और उस संविधान सभा का नाम क्या था? उस संविधान सभा का नाम था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, जिसका गठन कब हुआ? 1787 के अंतर्गत गठन हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज वाशिंगटन। और ये संविधान निर्मित होकर के कब तैयार हुआ? 1789 के अंतर्गत तैयार हुआ, और 1789 में ही अमेरिका का संविधान लागू हुआ। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संक्षिप्त संविधान। यानी अमेरिका का जो संविधान है वो अपने आप में संक्षिप्त यानी छोटा संविधान है, और इस संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेदों की कुल संख्या है वो मात्र कितनी है? 7 अनुच्छेद है। इतना छोटा संविधान क्यों है? क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसके अंतर्गत केवल और केवल आधारभूत सिद्धांतों का ही उल्लेख किया गया है। विस्तृत रूप से उल्लेख है वो संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो मुनरो के अनुसार, यानी मुनरो क्या कहता है अमेरिकी संविधान के बारे में? अमेरिकी संविधान के बारे में मुनरो का कथन है कि अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जिन्हें आधे घंटे में आसानी से पढ़ा जा सकता है। इतना संक्षिप्त संविधान होने का जो मूल कारण है वो यह है कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार की जो मूल संरचनाएं हैं उनका ही उल्लेख किया गया है। राज्यों की सरकारों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यों का वहां पर अलग संविधान है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संविधान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो वहाँ स्टेट है, वहाँ के जो राज्य है, वहाँ के राज्यों का अलग संविधान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार की जो मूल संरचनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। राज्यों का वर्णन है वो विस्तृत रूप से इस संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यों की संरचना को राज्यों का जो संविधान है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो अमेरिका का संविधान अपने आप में संक्षिप्त संविधान है, जिसके अंतर्गत मात्र 7 अनुच्छेद है, और ये दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान के रूप में भी अमेरिका के संविधान को देखा जाता है। तीसरी विशेषता है कठोर संविधान। कठोर और लचीला संविधान, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जहां पर संविधान संशोधन है वो साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है, यानी आसानी से संविधान के अंतर्गत संशोधन है वो किया जा सकता है, इसलिए उसे लचीला संविधान कहा जाता है। दूसरी तरफ जो कठोर संविधान होते हैं उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लचीली नहीं होती, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो अमेरिका के संविधान को दुनिया के कठोर संविधानों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ साधारण बहुमत के माध्यम से संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार का
संशोधन है वो नहीं किया जा सकता। अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान के रूप में अगर हम देखें तो हम अगर अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो अब तक मात्र केवल कितने संविधान संशोधन हुए अमेरिका के संविधान में, मात्र 27 संविधान संशोधन हुए, जिनमें से 10 संविधान संशोधन तो संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद में ही हो गए थे 1791 के अंतर्गत। इन प्रथम 10 संविधान संशोधन के माध्यम से ही 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों के प्रावधान को जोड़ा गया। अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव कांग्रेस भी रख सकती है, कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका का नाम है, और राज्यों के द्वारा भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन जब पारित किया जाता है तब कांग्रेस के प्रत्येक सदन के उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। यानी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जब कोई संविधान संशोधन करना हो तो जो अमेरिकी कांग्रेस है, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, उसके 2 सदन है, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। यानी इन दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा इस तरह का संविधान संशोधन है वो पारित होना चाहिए। और इसके साथ साथ अमेरिका के अंतर्गत जो 50 राज्य है उनमें से कम 2/3 राज्यों द्वारा उसकी पुष्टि होनी है वो अनिवार्य है। जब तक 2/3 राज्य उसकी पुष्टि नहीं कर देते तब तक अमेरिका के संविधान में संविधान संशोधन नहीं हो सकता। नेक्स्ट विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय संप्रभुता संप्रभुता की ऐसी अवधारणा है जो किसकी सर्वोच्चता की बात करती है, जो जनता की सर्वोच्चता की बात करती है। यानी ऐसी संप्रभुता जिसके अंतर्गत सर्वोच्च कौन हो, सर्वोच्च जनता हो। अमेरिका के संविधान की अगर हम प्रस्तावना देखें तो प्रस्तावना के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पहली पंक्ति के अंतर्गत ही लिखा हुआ है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। यानी यह क्या दर्शाता है? अमेरिका संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग यह इस बात की अभिव्यक्ति है कि अमेरिका के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों के अंतर्गत है। नेक्स्ट विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को मोटे रूप में 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अगर हम ब्रिटेन के संविधान को देखें, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को देखें तो वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी शासन व्यवस्था है? वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में कोई घनिष्ठ संबंध है वो नहीं होता। व्यवस्थापिका पृथक रूप में काम करती है, कार्यपालिका है वो पृथक रूप में काम करती है। कार्यपालिका के जो सदस्य है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी नहीं होते हैं। तो अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय कार्यपालिका का एक आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका के अंतर्गत कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष, यहाँ पर वास्तविक अध्यक्ष और नाम मात्र की अध्यक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वहां पर कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है अमेरिका के अंतर्गत वो है अमेरिका का राष्ट्रपति, और कार्यपालिका है अमेरिका की वो वहां की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। और यहाँ पर कार्यपालिका का कार्यकाल है वो भी निश्चित होता है, यानी अमेरिका की राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है? वह 4 साल का कार्यकाल है। यहाँ जो कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मंत्रियों को सचिव कहा जाता है, और मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री यानी सचिव वहां की जो कांग्रेस व्यवस्थापिका है उसके प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगली विशेषता है गणराज्य। अमेरिका के संविधान को या अमेरिका की शासन व्यवस्था को हम देखें तो किस तरह की है, वह गणराज्य पर आधारित शासन व्यवस्था है। गणराज्य और राजतंत्र इन दोनों के बीच में अंतर है। राजतंत्र के अंतर्गत जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशानुगत होता है, लेकिन गणराज्य के अंतर्गत जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो अमेरिका की शासन व्यवस्था किस तरह की है, अमेरिका की शासन व्यवस्था गणराज्य पर आधारित शासन व्यवस्था है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नेक्स्ट विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था वहां होती है जहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन है वो नहीं किया जाता है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था जहां होती है वहां पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका का संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक के रूप में देखा जाता है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का अगर कोई आदर्श उदाहरण है दुनिया के अंतर्गत तो वो आदर्श उदाहरण कौन है, वो आदर्श उदाहरण है अमेरिका। संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई, संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत भी सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान से ही मानी जाती है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय है वो केंद्र सरकार के पास में है और स्थानीय महत्व के जो विषय है वो किसके पास में है, वो वहां की राज्य सरकारों के पास में। और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब जो संविधान के अंतर्गत न तो केंद्र को दी गई है और न ही राज्यों को दी गई है, तो ऐसी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास में, तो ऐसी अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका के अंतर्गत राज्यों के पास में। कांग्रेस का जो दूसरा सदन है सीनेट वहां पर राज्यों का एक सम्मान प्रतिनिधित्व है, यानी प्रत्येक राज्य से सीनेट के अंतर्गत दो सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। और अमेरिका के अंतर्गत कुल राज्य कितने हैं, अमेरिका के अंतर्गत कुल राज्यों की जो संख्या है वो 50 है और इन 50 राज्यों से प्रत्येक से दो सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, तो टोटल कितने सदस्य हो गए, टोटल हो गए सीनेट के 100 सदस्य। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस का जो दूसरा सदन है सीनेट, सीनेट के अंतर्गत राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को सर्वोच्च घोषित किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में घोषित किया गया है। अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास में, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। सर्वोच्च न्यायालय के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि राज्य अगर इस तरह का कानून बनाता है जो संविधान के अनुकूल नहीं होता है तो न्यायपालिका उसको उसकी संवैधानिक परीक्षण करेगी कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, और अगर न्यायपालिका को लगता है कि वह कानून असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस संदर्भ में जस्टिस हुज ने ये कहा कि हम संविधान के अंतर्गत है, यानी न्यायाधीश है वो संविधान के अंतर्गत है, परंतु संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो स्वयं भी संविधान के अंतर्गत ही है, लेकिन संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास में, संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास में है।
तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है वो अमेरिका की सर्वोच्च न्यायपालिका के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। नेक्स्ट विशेषता है मूल अधिकार। अमेरिका का जो मूल संविधान था जो 1789 के अंतर्गत लागू हुआ उसमें मूल संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। मूल अधिकारों को प्रथम 10 संविधान संशोधन द्वारा 1791 के द्वारा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का नाम क्या है अमेरिका में? व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के दो सदन है, प्रथम सदन जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत जनता का प्रतिनिधित्व होता है, और कांग्रेस का दूसरा सदन है सीनेट। सीनेट के अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान को अगर हम देखें तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जो मूलभूत आधार होता है, जिस सिद्धांत के ऊपर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था टिकी हुई होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन फ्रांस के विचारक मोंटेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मोंटेस्क्यू ने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर के व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। हालांकि इंग्लैंड के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वो प्रचलन के अंतर्गत नहीं है। तो मोंटेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से प्रेरित होकर के अमेरिका की जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि जो सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। यानी व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका का काम कानूनों की व्याख्या करना। तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है वो किया गया है। एक अंग दूसरे अंग के कार्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ अमेरिका के संविधान के अंतर्गत नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत है वो भी देखा जा सकता है। चेक एंड बैलेंस को भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत देखा जा सकता है। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत क्या कहता है? चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि संतुलन स्थापित हो सके, कोई भी अंग है, कोई भी सदन है, वो निरंकुश न बने। तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। नेक्स्ट विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अमेरिका के अंतर्गत प्रत्येक जो अमेरिका का निवासी है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ वह अमेरिका के जिस राज्य का निवासी है वहां पर भी उसको नागरिक का दर्जा प्राप्त होता है। यानी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दोहरी नागरिकता है वो देखने को मिलती है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, दूसरी वह जिस राज्य का निवासी है, जिस राज्य के अंतर्गत वो निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। धन्यवाद।